पपीता और ये चटनी खा के बताओ। मैं ले आया सारा सामान, तुमने कुछ करा नहीं अभी तक। हेलो गाइस, दिल में होने डालो। Yeah, I am so happy because my friend is good. Hey guys, assalamu alaikum, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज दोपहर का टाइम हो चुका है। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद ना मैं बैठी हुई थी, और अभी ज्यादा आज ना मेरे को ज्यादा कुछ काम नहीं। कल जैसे आपने देखा, जुम्मे के दिन मैंने बिरयानी बनाई थी, पर वो बिरयानी ना थोड़ी सी कम पड़ गई थी। मतलब इनका ना मन नहीं भरा उसको खाकर। इनको ना बिरयानी वाली ना ज्यादा अच्छी लगती है। दोबारा से बिरयानी बनवाएंगे। अफ्तारी में भी ऐसा कुछ खास नहीं बनाना आज, क्योंकि कल के जो ब्रेड थे वो बच गए थे। दो तो चलते हैं, थोड़ा काम देखते हैं, और अभी अफ्तारी में क्या करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैद, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। हेलो गाइस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? सो आई आप लोग अच्छे होंगे। सो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। मोटो घर पर होगी, उसने मुझे बोल दिया है क्या क्या लाना है। तो आज मुझे लाना है कुछ सामान। सो आज फिर बिरयानी बनाएंगे माशाल्लाह। और काशिप भाई कुछ कहोगे तुम? ज़्यादा लग रहा है, देखते हैं। आज ना धूप ज़्यादा थी तो इस कारण थोड़ा लगा मेरे को भी हो रहा है, पर कोई नहीं, हिम्मत दिखाएंगे हम। हमने जिसका इंतजार करा वो आए नहीं। पापा का इंतजार कर रहे थे, गाड़ी चाहिए थी हमें, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, पैदल ही चल लेंगे। क्यों भाई काशिप भाई, पैदल भी तो चलना चाहिए। देखो बच्चे कैसे। हाय काशिप भाई, रोजे में बैठ गए कह रहे यार मेरी शेविंग कराओगे? सुखा जी, ये दोस्त की दुकान है काशिप भाई की। क्यों भाई, एक बार दोस्त से मिलते लो तुम्हारे। आओ यार चल रहे काशिप भाई, आओ यार चल रहे, चलो आ जाओ। हेलो गाइस, दिलो तो गाइस अभी हम बस पहुंचने वाले हैं अपने लोकेशन पे, और बाइक से है पापा जाके घर बाइक ले लिए। और अभी हमें लेना क्या है, पकोड़े गोभी के, और बाकी के तो पकोड़े कल के रखे हुए गर्म कर लेंगे। तो चलते हैं अभी। सो गाइस अभी पकोड़े ले रहे हैं, पीछे पकोड़े की शॉप में दिखाता हूँ। मिक्सी बोल रहे हैं, वैसे मेरे को 30 रुपए के लेने थे, बट उन्होंने बोल दिया कि भाई 40 रुपए की एक पाव ले दो। सो ले रहे भैया। सो भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। सो ये लिया है मैंने दोनों, एंड ये पकोड़े हैं। किसका? अरे रोजे से वो है। किसकी बोल लो भाई, किसकी है? मेरी गेम जो बना रहे हो। और बताओ सर फिर। तो भैया घर का सारा सामान हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी मोटो घर से उतरती नहीं है सेहत के चक्कर में। बट अब सब कुछ ले लिया है मैंने, बहुत जंपिन है भैया लाइफ में, देख सकते हो। सारा सामान ले लिया और काशिप भाई चला रहे गाड़ी, बस पहुंचने वाले हम। इसके बाद अफ्तारी करते हैं और देखते हैं मोटो ने क्या इंतजाम घर में किया हुआ है। मैं ले आया सारा सामान, तुमने कुछ करा नहीं अभी तक? आज कुछ करना ही नहीं है, आज बिरयानी तो उसके बाद ही होगी। वैसे मैं पकौड़े वगैरह सब रेडीमेड ले आया। हाँ, जाओ जल्दी बाजू नमाज पढ़ने जा रहे हो? हाँ, सो गाइस अभी ये नमाज पढ़ने जा रही है, उसके बाद हम बैठेंगे और अफ्तारी वगैरह काटेंगे। अभी 6 बजे हैं और अभी आधा घंटे से भी ऊपर बचा हुआ है टाइम। तो चलते भाई, मैं भी नहा लूँ, फिर नमाज पढ़ के आप लोगों से मिलते हैं सीधा अफ्तारी पे। गाइस हो गई मेरी असर की नमाज, अभी आ चुके हैं, ये भी नहाने जा रहे हैं। सब अच्छे हो गए हैं, इतनी जल्दी इसलिए नहीं मचा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पकोड़े आपको बताया ना, बाहर से भी ले आए, और जो है उसे बस फ्राई कर लेती हूँ, चल के फ्राई करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने ना ये चॉपर मंगवाया है, ये एक मिनट तो आपको सही से दिखाती हूँ। ये देखो, एक से देखो, ये ना मैंने चॉपर मंगवाया, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है ये ऐसे वाला, क्योंकि ना अब ना बहुत ज़्यादा ना काम पड़ता है इसका। तो मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया है, तो अभी तक तो मैंने ट्राई नहीं करा, अभी देखते हैं कि कैसा होता है। अभी तो फ़िलहाल आज तो कोई काम नहीं है इसका, तो चलते हैं जो चीज़ें फ्रूट काट लेते हैं और बाकी शरबत वगैरह बना लेते हैं। 16 मिनट हो गए हैं,
अभी भी 20 मिनट बाकी हैं, तो ये नहा लें, फिर ये भी अभी आके नमाज़ पढ़, अब नहा कर नमाज़ पढ़ेंगे और हम चलते हैं अपनी तैयारी की, इफ्तारी की तैयारी के लिए। यहाँ चढ़ा दिया मैंने तेल, और ये देखो मैंने जो कल चटनी बनाई थी ना, मैं उसको ना ऐसे स्टोर करके रख देते। अभी जो चटनी ना, हम लोग पता क्या इतना तो नहीं खाते हैं चटनी वगैरह, पर ना कभी कभी पकोड़ों से रोटी से अच्छी लगती है, तो ये मैंने ऐसे स्टोर करके रख दिया अपने घी के डब्बे में। घी खत्म हो गया तो मैंने ये रख दिया। इस बार मैंने रेडीमेड घी मंगाया है ये वाला, पर ये ज़्यादा कुछ अच्छा घी नहीं है, तो बस एक दो दिन में मैं भी घी निकालने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो मलाई है वही खट्टी हो गई है। देखो ये जो ये सब में ना मलाई है, मैंने ना मेरा एक डब्बा ना टूट गया मलाई वाला, तो ये सारी जितनी भी है ना ये सब मलाई है, ये सब इकट्ठा करके मैं घी बनाऊँगी। और ये रहे पकौड़े, ये ना रात मैंने सहरी के बाद खा लिया था थोड़ा सा, तो इसको ना मैं ऐसे बीच में से ऐसे कट कर दूंगी ताकि ये तो हो जाए और अच्छे से सिक जाए, और ये रहे बाकी के पकौड़े, तो चलो जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। सो गाइस मैंने नहा चुका और अब मोटो बना रही है पकौड़े, वो भी पकौड़े कैसे बना रही है कि जो मैं लेके आया था, और वो इसको भी फ्राई करिए क्योंकि टाइम रात वाले भी कर रही है, गर्म होंगे ना जो तुम लेके आए हो, बस जो रात वाले थे ना बचे हुए वो सब फ्राई कर दूं ताकि खाया जाए। चलो सही है, क्या बोल रही हो तुम, क्या क्या लेके आए उसे प्लेट में निकाल लो। हाँ निकालो अभी, तो ये कल वाले ना चीज वाले, हाँ ये बच गए थे ना, तो अच्छे लगे। और जो मैं लेके आया था उसमें क्या क्या लिखा, क्या लेके आये हो? तो गाइस ये वाले मैं लेके आया हूँ, काफी सारे मिक्स पकौड़े हैं, मिक्स वाले पकौड़े हैं। आज इन्होंने बोला कि मेरा गोभी के पकौड़े खाने का मन है, तो मैंने कहा कि मेरे को बट उसने गोभी नहीं दिया है उसको, मैंने बोला गोभी दे देता तो उसने पता क्या, कुछ कुछ है गोभी के, ये देखो ये सब गोभी के ही है, कहा है दिखा, हाँ ये वाले ना ये, बट अब चलो 24 हो गए और फल काट लो यार। हाँ 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 चलो, आज तुम काटना फल, फिर तुम्हें मेरे हाथ के कटे हुए पसंद नहीं आते। चलो ठीक है मैं काट, और एक और चीज लेके आए जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये है गुजिया, गुजिया और समोसे, गुजिया और मीठे समोसे जो मेरे को बहुत पसंद है। मैं इनसे भी कह रही थी कि हम ना एक काम करते घर में गुजिया बनाते हैं, उन्होंने बोला कि आप घर में बनाओगे तुम, 10 रुपए का एक है, देखना 10 रुपए का एक है, बोला मैं तुम्हें बाहर से लाके खिला दूंगा, तो ये मेरे लिए गुजिया लेके आए, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं, छोटी प्लेट में निकाल रहा हूँ फल फ्रूट, क्योंकि भाई अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा, आज खीरे भी काटवाऊंगा मैं वाइफ से, बड़े खीरे नहीं काटते तुमने कैसे हो जाते हैं, तो ये खीरे हैं काटे नहीं, लो काटो लो काटो इसको, अफ्तारी में खाऊंगा, अफ्तारी में खाया जाता है जितना भी खाया जाता है उसके बाद नहीं खाया, यही क्यों मैं कर रही हूँ, फ्रिज दिखा दूँ, और भैया हाथ साफ है, उसको क्या क्या लगा रखा तुमने, सो देख सकते हो मैंने अपने लिए ये रख रखे हैं यहाँ पर, एंड रोटी शुमारे के लिए यहाँ पर, और हाय अल्लाह जल्दी आ जाओ यार, लेके आओ ना वो निकालो ना तरबूज वगैरह। नेक्स्ट डे Hey guys, assalamualaikum, कैसे हैं आप लोग। सो मैं ना कल से अब ब्लॉग स्टार्ट किया है, कल रात के बाद फिर ब्लॉग नहीं कुछ बनाया, अभी सहरी का वो अफ्तारी का टाइम हो रहा है सॉरी, और अब बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं देखो मैं आज बना रही हूँ ब्रेड रोल बना रही हूँ, ये इसकी फिलिंग है जो मैंने खूब सारे स्पाइसी वगैरह डाल के शूट करी थी, पर मैं शूट पाई क्योंकि ये अभी शॉप से आए, और मैं ना जैद को भी देख कर काम भी करी थी, तो बस, और ये आलू वाले ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ मैं, तो आज की अफ्तारी यही है, बस दाल बन रही है आज, बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ, दाल चावल क्योंकि दाल चावल और दाल रोटी क्योंकि इनको ना चावल से पेट नहीं भरता, दाल बन रही है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरे ब्रेड रोल ये मैंने बनाए हैं, और ये मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, अगर आपको रेसिपी चाहिए ना तो बता, मैं रमज़ान में फिर से बनाऊँगी अगर इन्हें पसंद आए तो, वैसे इन्होंने मेरे हाथ के पहले पिछले रमज़ान में भी खाए थे, तो बस आज कितने बजे कुर्सी के नीचे है? आज कितने बजे रोज अफ्तार है? आज शायद 7:38 पे, शायद 6:38 पे, हाँ अब टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब आज कितने 14 रोजे हो गए, 13 हो गए ना, हाँ आज 13 रोजे हो गए, और मतलब रोजा भी आने वाला है, बताओ कितनी जल्दी जल्दी वक्त बीत जाता है, पता भी नहीं लगता। क्या हुआ, कैसे भाग रही हो भैया, टाइम होने वाला है, लेट इतना सारा रोबजा डाल दिया, कैसे डाल गया ज्यादा, अब
कर लाना पड़ेगा। निकाल तो ये जल जाएगा सैंडविच के अंदर से। निकालो निकालो यार, अब बताओ एक हाथ में जैद को ले रखा है एक हाथ मैं भी ऐसे ही बोलते ना, जाओ बाहर निकलो बच्चों को लेके, तो इतना आसान नहीं होता है। हाँ, तो कितना आसान होता है, वो शिक्षा देते हो ना मुझे दुकान पे बैठ के, बच्चों को अकेले लेके जाओ बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ, घर भी संभालना और बाहर तो संभालना। अब मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट बचे हैं, पता है तुम्हारे को 10 भी मिनट नहीं बचे, क्या टाइम हो गया? टाइम तो तुम देख के बता सकती हो। चलो खोल लियो, गैस बंद करा है मैंने, मुझे नहीं पता। हाँ बंद करा है शायद तुमने, लगाओ जल्दी जल्दी भाग। क्या करूँ तुम बताओ ना क्या ये देखो इसको देखो कैसे उड़ता, ये देखो ओ ये क्या कर रहा है जादू बताओ तुम क्या बोल रही हो? ये पपीता और ये चटनी खा के बताओ, चैलेंज है, तुम खा के दिखाओ क्या है। पहले तुम खा के एक बार तुम, फिर उसके बाद पक्का मैं कैसा लगेगा लगा ही नहीं ये रहना, देखो ना खाओ खट्टा मीठा लग रहा है। Yeah, I am so happy because my friend is good. I am also very bad. आज हम क्या खाएंगे? अच्छा आज के दिन टुडे बोलते हैं। आज हम खाएंगे अगर 250 ग्राम बिरयानी और चावल आ जाते तो बिरयानी मैं बनाऊंगा, ये तो नहीं बनाएंगे, चिकन बिरयानी। ओके चिकन बिरयानी। So today you have something new, new kind of. When I came in your room, so I saw that is very tasty and I will eat after some time. तीन लिया दो तुम्हारे दो मेरे दो क्या तीन लिया था दो दो के हिसाब से दो ले लिया दो इनके दो लिया सर गाइस सलमान सर बट बाय दिस दिस इज फॉर मी एंड दिस इज वेरी स्वीट एंड टेस्टी आल्सो। सो गाइज आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। फिर मिलेंगे, बाय, अल्लाह हाफिज़।